वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजी ओडिया हब। मु आम यूट्यूब चैनल एजी ओडिया हब को समस्त को स्वागत करुछी। ताहले आम मैने विगत क्लास रे विभक्तिर तृतीय विभक्ति पर्यंत डिस्कशन करितला हला। जो विभक्तिर प्रकारभेद अछि प्रथम रु तृतीय पर्यंत आम डिस्कशन करितला, एवं जो विभक्ति अछि प्रथम रु सप्तम पर्यंत से विभक्ति सबुले कारक सहित कोन रहिते संबंध रखिथे। ताहले चलत आज आम जो विभक्ति देखा ताकि चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति एवं सप्तमी व्यक्ति। तो देख आज क्लास जदि भल लगे निश्चिंत भाव में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स रे जनइब। तो चलो देखा चतुर्थी व्यक्ति कौन अटे। तो देख जो चतुर्थी व्यक्ति अच्छी चतुर्थी व्यक्ति सब संप्रदान कारक व्यवहृत होता है, अर्थात संप्रदान कारक कौन होता है चतुर्थी व्यक्ति होते। तो देख जो संप्रदान कार्य चतुर्थी व्यक्ति अच्छे तहार गोटे उदाहरण आम नहीं जावा कौन अटे कि मान्यवर राज्यपाल भिन्नक्षम को गाड़ी दान कले है। तो देख संप्रदान कारक जिते चतुर्थी व्यक्ति हुए कौन होता है आम जो अन्न जन को कौन कर सबूत दान कर दे, अर्थात पूरा सब भाव में दान कर संप्रदान कारक होला। तो देख कौन कर राज्यपाल भिन्नक्षम को राज्यपाल कौन कर भिन्नक्षम को गाड़ी दान करा पूरा पूरी भाव से दान कर तेणु कौन अच्छे चतुर्थी व्यक्ति होरे कौन अच्छी निवारण अर्थ चतुर्थी व्यक्ति होता है। जपरी मशा को धूआ दि मशा को धूआ दि है आम कौन कर मशा को भगेबापी धूआ दे, अर्थात निवारण अर्थ कौन अच्छे चतुर्थी व्यक्ति हो पुणी कौन अच्छे निमित्तार्थ चतुर्थी व्यक्ति होगा स्वर्ग को निशुणी ना। तो निमित्त अर्थ कौन अच्छे चतुर्थी व्यक्ति होगा बड़ लोक उत्तर ना आम के बड़ लोक जवाब दे पारा ना है तेणु सेठे कौन अच्छे चतुर्थी व्यक्ति होपुर। देख पंचमी व्यक्ति है पंचमी व्यक्ति कौन अच्छे कि उपादान कारक पंचमी व्यक्ति होता है। क्यों कारक पंचमी व्यक्ति होता है उपादान कारक पंचमी व्यक्ति होता है। तो देख उपादान कारक केते बेले थे जिते बेले गोटे जिनिष अन्य से वस्तुर कौन अच्छे छिंडी जीवार स्वभाव जना तो सेटा बेले कौन अच्छे उपादान कारक होपादान कारक कौन अच्छे पंचमी व्यक्ति होगा। तो देख गोटे उदाहरण कौन दे गु पत्र पड़ा कौन है गचर पत्र पड़ी जाएगा तो से पत्र गचरे लग पार कि ना। तो कौन अच्छे देख कौन अच्छे गचर पत्रा पूरा पड़ीना तल रही तो से समय कौन अच्छे उपादान कारक होगा। खरे अच्छे हेतु बा कारण बुझाइले पंचमी व्यक्ति होता है कौन से कारण जिते बुझेब से कौन होता है पंचमी व्यक्ति होता है। तो देख निज दोष रु प्राणी कष्ट पाए है निज दोष रु कौन होता है प्राणी टी कष्ट पाए तो निज दोष करुचे से कारण रु कौन अच्छे कष्ट पाऊचे है तो से समय कौन अच्छे पंचमी व्यक्ति होगा। भिन्न बा अलग बुझाइले पंचमी व्यक्ति होता है जदि कौन भिन्न बुझेब बा अलग बुझे से समय कौन हो पंचमी व्यक्ति लगे। देख कथार काम अलग हेले गला जदि आम कौन कथा कह से जी कम अलग तेल कौन ता गला तो पूरा अलग बुझाऊ तो सेठे कौन अच्छे पंचमी व्यक्ति होलनात्मक भाव कौन होता पंचमी व्यक्ति होता है जदि ता उत्कर्ष व अपकर्ष बुझेब से समय कौन हो पंचमी व्यक्ति होगा। उदाहरण स्वरूप हीरा सुना ठारू मूल्यवान देख एठार कौन अच्छे हीरा सुना ठारू मूल्यवान सुनारू कौन हीरा मूल्यवान अर्थात तुलना करा हीरा एवं सुना ठारे तुलना करा तेणु पंचमी व्यक्ति होगा। सिंह हाथी ठारू बलवान यह से पंचमी व्यक्ति उदाहरण। तापर कौन अच्छे देख दिग निर्णय जो ठारू दिग निर्णित हुए तहार पंचमी व्यक्ति हुए हला पुरी ठार पूर्व को समुद्र दिग ठार कौन हो दिग निर्णित हो कि पुरी रु कौन समुद्र क्यों दिगरे पूर्व दिगरे हला तेणु पंचमी व्यक्ति पुणी देख मार्ग और कालर परिव्याप्ति पंचमी व्यक्ति कार्तिक ठार शीत आरंभ हुए जो कार्तिक मास अच्छे से कौन होता है शीत आरंभ होता है अर्थात काल कार्तिक मास गोटे काल हला बा समय तो से समय ठार कौन होता है शीत आरंभ होता है तेणु कौन अच्छे पंचमी व्यक्ति होगा। असमापिका क्रिया जदि लोप होता है से समय कौन होता है जदि क्रिया
कर्म एवं अधिक्रमण स्थान में पंचमी विभक्ति होता है। तो देख से कोठाठार देखुची कोठाठार चढ़ु देखुची अर्थात से कौन कोठार ऊपर चढ़ी देखुची है तो से समय कौन अच्छे पंचमी विभक्ति होबे आम डिस्कशन करवा षष्ठी विभक्ति है। तो देख षष्ठी विभक्ति क्यों कारक होता है तो आम भाव कौन षष्ठी विभक्ति कारक रही था किंतु षष्ठी विभक्ति कौन सी कारक रही न था है। षष्ठी विभक्ति कौन होता है केवल संबंध पद रही था। देख नदी जल हरीर बही देशर राजा तो देख इसे कौन है नदी सहित जलर संपर्क अच्छी हरीर बही हरीर बही अटे तेणु हरी सहित से बहर संपर्क रही गोटे देशर राजा तो से देशर से राजा सहित कौन रही संपर्क रही संबंध रही तेनाली षष्ठी विभक्ति है। तो देख जो संबंध अच्छी ता विभिन्न प्रकार किपरिपे कि कारक संबंध होते पारे सेव्य सेवक संबंध हो पारे जन्यजनक संबंध हो पारे आधार आधार आदेय संबंध हो पारे कार्यकारण संबंध हो पारे बा विशेषण संबंध बा व्यक्ति संबंध हो पारे है। एत गोटी संबंध पदरे कौन षष्ठी विभक्ति होता है। तो देख गोटे गोटे आम उदाहरण डिस्कशन करवा अधिक डिस्कशन करवा ना है। तो देख कारक संबंध में षष्ठी विभक्ति किपर भाव में होता है। तो देख कारक छ भाग विभक्त कितने भाग विभक्त छ भाग आम जानू कौन कर्मकारक कर्ताकारक करणकारक संप्रदान कारक उपादान कारक एवं अधिकरण कारक। तो जो कारक आम कितने भाग कहला छ भाग छ भाग कौन होता है षष्ठी व्यक्तिर संबंध रही है। तापर देख कर्तृकारक किपर भाव संबंध रही है समय गति अनिवार्य एठार समय गति करूँ है तेणु कौन है षष्ठी व्यक्ति है आम मान कर्तव्य एठार देख जो आम मान अच्छे यठार कौन अच्छे षष्ठी व्यक्ति होता कर्म संबंध कौन है देख समस्त विद्यार साधना करवा उचित समस्त विद्यार साधना करवा उचित है। तो यठार विद्या को साधना करार अर्थ प्रकाश कर विद्या पदवी कौन कर्म संबंध हो तापर देख करण संबंध रे कौन हो तो दुर्योधन बारंबार गदार आघात मृत्यु लभिले। तो देख एठार जो गदार आघात अच्छी गदार आघात अर्थात कौन गदा द्वारा आघात तो यठार देख जो गदार पदटी रही क्या सहित संबंध रखी आघात द्वारा है यठार कौन है करण संबंध संप्रदान संबंध संबंध में षष्ठी विभक्ति होता है। पुरोहित को वस्त्र दि भिकारी रुटी बैयानी भात तो यठार देख जो भिकारी पुरोहित को एवं बैयानी तो यठार कौन अच्छे संप्रदान संबंध अच्छे कहीं देख पुरोहित को वस्त्र अर्थात पुरोहित उद्दिष्ट वस्त्र अटे बुझेगा कि ना तो तेणु कौन अच्छे पुरोहित षष्ठी विभक्ति होमें कौन कर पुरोहित पूरा वस्त्र दे दूचु है। उपादान संबंध में कौन होता है देख यही अंचल हाथीर भय अच्छी हाथीर भय अर्थात कौन हाथीटार भय तेणु हाथीर भय पदरी कौन उपादान संबंध अटे पिता भर्सना ठीक से पड़े है। तापर देख अधिकरण संबंध में षष्ठी विभक्ति किपर भाव में होता है तांकर कलार अनुराग समस्त को मुग्ध करे है। तो तांकर जो कला रही कौन कर समस्त को मुग्ध करते है। तो कलार अनुराग अर्थ हो कलार अनुराग तेणु कलार पदटी कौन अच्छे संबंध पद रही है। देख सेव्य सेवक संबंध किपर होता है जन्यजनक संबंध देखा
तो सेव्य सेवक सम्बन्ध देख कौन अच्छे प्रभु भृत्य अर्थात प्रभु जो दास रही है सब भक्त मान कौन कर प्रभु सब भक्त मैंने कौन कर प्रभु को सेवा करवं भक्त तो भक्त मैंने कौन कर देव को पूजा करते तेणु कौन अच्छी सेव्य सेवक अर्थ में सम्बन्ध पद भाव कौन षष्ठी भक्ति रही है जन्य जनक जन्य जनक कौन रही है माता पिता है सहित तो पुत्र एवं कौन तक जो झील तक सहित तो कौन रही संबंध रही थपर हरीर पु कनकर झील है तो सीटा कौन रहता है जन्य जनक संबंध पदर षष्ठी भक्ति रही है आधार आदेह देख जमीर धान है तो जमीर धान जो अच्छी पुष्करणी जल एवं बस्तार चौल ये जो तीनो उदाहरण मुझे कहली ए आधार आदेह संबंध रही देख आधार किए पुष्करणी है जल किए आधेय तो पुष्करणी जल है ठीक से जमीर धान तो जमीर धान अर्थात जमी हूँ यठार आधार और आधेय किए धान है तो ठीक से भाव में कार्यकारण संबंध रही थाए परिश्रम फल परिश्रम कार्य कले निश्चित भाव तार फल पाइब है तो सेठे कार्यकरण संबंध होता है विशेषण संबंध कौन होता है गुणर पिला है पिलार जो गुण जनाऊँच तेणु से कौन अच्छे विशेषण संबंध हो सुखर दिन दिन तार कौन सुख भाव में जाऊँच तेणु से कौन अच्छे विशेषण संबंध रही है समार्थ रे षष्ठी विभक्ति तो देखो तांको सहित मोर शत्रु नाही तांको सहित मोर शत्रु नाही राम अनुज पत्नी सहित बण को गले ठीक से हीपरी व्याप्ति संबंध मध्य होता है व्याप्ति संबंध रे कौन अच्छी सप्ताह छुट्टी गोटे सप्ताह पर्यंत छुट्टी है व्याप्ति अर्थात कौन पर्यंत है घंटाकर काम मु काम कौन घंटाकर सखीदेवी है देख बिना पूरी प्रति आदि शब्द रे मध्य कौन होता है षष्ठी भक्ति होता है जदि आम कौन सी वाक्य परी बिना प्रति इत्यादि शब्द प्रयोग कर षष्ठी भक्ति होता है तो देख तुम बिना मोर गति ना तुम बिना मोर गति ना तो यठार क्यों शब्दी प्रयोग होना पदटी है गरीबों प्रति दया कर तो देख गरीबों प्रति लगी तेणु कौन अच्छे षष्ठी भक्ति होना देख निमित्तार्थ शब्द जो षष्ठी भक्ति होता है निमित्त अर्थ में कौन होता है षष्ठी भक्ति होता है तो जलर निमंते से नदी को गले जलर निमंते से कौन नदी को गले पुण्यर निमंते से दान करूछि हैला तो निमित्त अर्थ जितेबले प्रयोग होछि सेटारे कोन होछि षष्ठी भक्ति होछि निर्धारण रे मध्य कोन होइथाय षष्ठी भक्ति होइथाय तो देख कोनोसी जदि आमे जिनिस पई गोटे समय निर्धारण करछु सेटारे मध्य कोन होछि षष्ठी भक्ति होछि हैला तो देख उदाहरण स्वरूप सिंह पशु मानकर राजा पशु मानक पई कोन करैछि सिंह को राजा बोली निर्धारण कर तेणु से कौन अच्छे षष्ठी भक्ति होपर परिशेष रही सप्तमी भक्ति सप्तमी भक्ति केतक आम कौन सूत्र को जान रखा तो देख अधिकरण कारक सप्तमी भक्ति होता है तो वर्षा काल में कदम फुटे पुष्करणी समय फुटे तो देख जो अधिकरण कारक सप्तमी भक्ति अधिकरण कारक कौन होता है द्वीप प्रकार थे गोटे कालाधिकरण है तो इठारे जो उदाहरण दिखाई से कालाधिकरण हिसाब से दिखाई है वर्षा काल रे वर्षा समय रे कदम फुटे है देख भावे सप्तमी भाव अर्थ में कौन था सप्तमी है सूर्य उदय रे पद्म फुटे सूर्य जितेबले उदय हमें से कौन था पद्म फुटे तो यठार कौन उदय हेले जाए कौन सूर्य जितेबले उदय से पद्मटा फुटुची है तेणु भावार्थ कौन अच्छे सप्तमी भक्ति होता है देख विप्सार्थ रे मध्य कौन होता है सप्त सप्तमी भक्ति होता है अर्थात जदि कौन कार्य आम बारंबार करा तो सेठे कौन होता है सप्तमी भक्ति होता है घरे घरे बिजुली बत्ती जलिला देख घरे घरे अर्थात समस्त घरे
देशे देशे आज ओडिशा रे कौन ओडिशार जो ओडिशी नृत्य अच्छे परिचित है तो यार जो देशे देशे एवं घरे घरे से कौन हो सप्तमी व्यक्ति होती देख जदि आज विषय भल लगुच निश्चिंत भाव कमेंट बक्स में जनइबे सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।